जो हमारा आज का वीडियो है वो डस्टर के बारे में है। ये मैरून कलर की डस्टर है, इसमें हम लोग इंटीरियर कर रहे हैं। जो बाहर का कलर है हम अंदर भी वही कलर कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। इसमें हम लोग सीट कवर लगाने वाले हैं, सीट कवर बल्कि हम लगा चुके हुए हैं। और इसमें अभी स्टेरिंग कवर लगेगा, पिलर्स हो रहे हैं, डैशबोर्ड हो रहा है, डोर पैनलिंग हो रही है। थोड़ा हटके कर रहे हैं काम इस बार। डोर पैनलिंग में तो हम लोग मेन PU यूज़ करेंगे जो सीट कवर में यूज़ कर रहे हैं, और बाकी जो डैशबोर्ड है और जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं पिलर्स वगैरह में, उसमें कुछ हटके करने वाले हैं जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे। ये हमने इसका डैशबोर्ड खोला हुआ है, हमारा काम कंप्लीट होने वाला है, काफ़ी काम हो गया है। डैशबोर्ड हमने रीइंस्टॉल कर दिया है और ये हमने पेंट किया है इसके ऊपर। फील एंड फिनिश बिल्कुल ओरिजिनल की तरीके की है, बस कलर चेंज हो गया है। और इसका एक खास बेनिफिट और है, जैसे इस पर लिखा होता है SRP एयरबैग, इसके अंदर एयरबैग होता है, तो बाई चांस अगर एयरबैग खुलने की जरूरत हुई तो एयरबैग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। अगर ये डोर पैनलिंग की है हमने चारों डोर में, इसमें हमने PU लगाया है, सेम मटेरियल जो हमने सीट कवर में यूज़ किया है, चारों डोर में लगाया हमने ये। ये पीछे के पिलर्स हो गए, ये हम OEM स्टाइल स्टेरिंग कवर फिट कर रहे हैं। हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अब ओवरलुक फाइनल लुक जो है वो आपके सामने है, बिल्कुल फिनिशिंग आप देख सकते हो। ये टेक्सचर जो ओरिजिनल है ये देख सकते हैं आपके सामने है, ये प्रॉपर हमने मैरून कलर का पेंट कर दिया डैशबोर्ड के पीस पे। ये एक्सट्रीम राइट का पीस है, ये भी किया हमने। ये पिलर्स है, इस गाड़ी में 8 पिलर हमने 8ों के 8ों पेंट किए। ये पीछे के हो गए, बाकी सीट कवर काम भी कंप्लीट हो गया हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर ही बहुत अच्छा लग रहा है, गाड़ी को सूट कर रहा है। ये डोर पैनल्स हो गए, ये स्टेरिंग कवर हो गया OEM लुक में, प्रॉपर कंप्लीट हो गया। ये गियर बूट अभी हम लगा रहे हैं, बाकी काम खत्म है हमारा। ये फ्रंट की लुक होगी सीट कवर की, प्रॉपर हाई डेंसिटी फॉर्म लगाई हुई है, प्रॉपर कुशनिंग की हुई है। तो ओवरऑल काम बहुत अच्छा हो गया है और बहुत ही नीट वर्क हुआ है। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।